सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म है क्या तो देखो ये जो वर्ड है एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको इतना समझना है जैसे हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं ना कोई विचारधारा ठीक तो kind of है तो एग्जिस्टेंशियलिज्म भी काइंड ऑफ थ्योरी है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोगों की थॉट्स से बनी हुई एक थ्योरी है ठीक है तो हमें समझना है कि एक्चुअली एग्जिस्टेंशियलिज्म होता क्या है अस्तित्ववाद होता क्या है ठीक है सबसे पहले हमें देखना है कि ये कब आया तो ये आप देखोगे मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर जब आपने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंग्लिश तब आपने देखा था कि नाइनटीन फोर्टीज और फिफ्टीज का जो टाइम है मीन्स मॉडर्न टू द पोस्ट मॉडर्न उस टाइम पीरियड में यूरोप के अंदर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आता है ठीक है वर्ल्ड वॉर सेकेंड फोर्टी फाइव के बाद में उस टाइम के बाद का जो लोगों की विचारधारा थी सबकी नहीं कुछ पर्टिकुलर लोगों की विचारधारा कुछ फिलोसफर्स की विचारधारा बेसिकली ये एक फ़िलासफिकल टर्म है फिलासफी में हम इसको पढ़ते हैं बट क्योंकि लिटरेचर जो है वो भी थॉट्स पर ही बेस्ड होता है तो इसलिए यहाँ पर भी हमें इसको फोकस करना होगा तो उन लोगों की या उनका जो इस तरह का मूवमेंट आपका हो गया इस तरह का एक कल्चरल मूवमेंट है ये ठीक है कल्चरल मूवमेंट इन सेंस इज बेस्ड ऑन रिलीजन सोसाइटी मैन ठीक है इन सब पर बेस्ड एक मूवमेंट है जिसमें कि बेसिकली अबाउट द इट्स अ थ्योरी अबाउट द थॉट्स ओके तो बात करते हैं कौन सी सेंचुरी में है 20th सेंचुरी लिटरेचर ओके फोकस करता है ऑन द इंडिविजुअल ओके तो फोकस यहां पर सोसाइटी पर नहीं है बल्कि इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल मींस पर्सन आप मैं इंडिविजुअल है ना हर हर एक इंसान का खुद का एंड हिज और हर रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स और गॉड एक पर्टिकुलर पर्सन का एक इंडिविजुअल का फोकस uh, uh, इस एग्जिस्टेंसलिज्म के थ्रू दिया गया है यानी वो क्या सोचता है वो अपने आप को क्या मानता है वो और उसका इस दुनिया से या इस संसार से भगवान से क्या रिश्ता है वो चीजों पे एग्जिस्टेंसियलिज्म वालों ने फोकस किया दिस एग्जिस्टेंसलिस्ट टैग हैज बीन अप्लाईड टू राइटर्स क्योंकि कोई भी थ्योरी यानी मैं क्या सोचती हूँ या मेरा क्या वे है सोचने का मेरे थॉट्स कैसे मेरी विचारधारा कैसी ये आपको तब पता चलेगा जब मैं कम्युनिकेट करूंगी ज्यादा लोगों के साथ तो राइटर्स जो होते हैं वो अपनी राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं फिलासफर्स होते हैं वो अपनी फिलॉसफी देते हैं विजुअल आर्टिस्ट होते हैं फिल्म मेकर्स ऐसे लोग जो हैं वो अपनी विचारधारा को दिखाते हैं सपोज मूवी के थ्रू ड्रामा के थ्रू राइटिंग के थ्रू नॉवेल्स के थ्रू ठीक है कोई बुक लिख दी तो उसके थ्रू आप बता सकते हो कि मैं क्या सोचती हूँ तो उन लोगों की थ्योरी भी हमें इस तरह से पता चलती है और पता चला कि ये एक है तो सबसे पहले ये जो वर्ड है ये किसने कॉइन किया पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये वर्ड कॉइन किया था गैब्रियल मार्शन ने इन्होंने ये जो सेंट पॉल साचे हैं इनको ये चीज कहा कि यू आर योर थ्योरी किसी डिस्कशन में इनको कहा कि तुम्हारी जो थ्योरी है वो एग्जिस्टेंसियलिज्म की है ओके okay, तो सबसे पहले ये वर्ड जो ये जो नाम बनाया ये कॉइन किया ये थे गैब्रियल मार्सल ने और इसी के जो ये जो थ्योरी है एग्जिस्टेंसलिज्म इसके जो फादर हैं वो हम जिन्हें बोलते हैं उनका नाम है सोरेन के गाड़. ओके सो इनिशियली इट शुड बी रिटर्न सॉर आल्सो, तो इन्हें हम फादर ऑफ एक्सिस्टेंस कहते हैं क्योंकि इन्होंने इससे रिलेटेड काफी बुक्स लिखी थ्योरी दी ठीक है तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका इसके अलावा भी कुछ रीडर्स थे लीडर्स थे इसके उनमें uh, जैसे मैंने बताया जैन पॉल साटे अल्बर्ट अमस बेसिकली नॉट कैम इट इज अल्बर्ट कैम एंड सर इसके अलावा मार्टिन हाइडेगर भी हैं जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो ये सारे जो हैं कुछ चार पांच छह नाम हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं मोर इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा आपका ठीक है तो ये क्या कहती है एग्जिस्टेंसियलिज्म की थ्योरी ये कहती है कि इंसान जो होता है आ, वो सबसे पहले एग्जिस्ट करता है इस वर्ड को हम समझते हैं एग्जिस्टेंस एक्जिस्ट, वर्ड को तो एग्जिस्टेंस वर्ड करता है कि कहता है एग्जिस्टेंस है ना यानी किसी का अस्तित्व किसी ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व ऑब्वियसली नॉन ह्यूमन थिंग्स को या फिर uh, जो बाकी ह्यूमन के अलावा जितने भी लोग हैं उनको नहीं बट ह्यूमन जो हैं हम इंसानों का जो एग्जिस्टेंस है उस पर बात की गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ था कि लोगों की जो थॉट्स है वो काफ़ी बदल गए थे एंजाइटी टेंशन डिप्रेशन ये सारी चीज़ें थी क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने देखी वो था वर्ल्ड वॉर टू जो कि कभी भी लोगों ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होने वाला सपोज आज हम नहीं प्रिपेयर हैं कि बहुत कुछ बड़ा खतरनाक कुछ हो सकता है तो उनके थॉट्स ऑटोमेटिकली ही चेंज हो गए तो वो जो एग्जिस्टेंसलिज्म वाले जो थ्योरी दी हैं वो लोग कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है जो पर्सन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नेचर नेचर एंड एवरीथिंग कम्स लेटर सब कुछ बाद में आता है पहले आता है एक इंसान का होना ठीक है ओके okay. एक इंसान का अस्तित्व होना ठीक है इट इज अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग एज ह्यूमन बीइंग इट इज अबाउट एंगेजिंग विद द वर्ल्ड अब इंसान जब है उसका अस्तित्व है तो वो क्या करेगा इस दुनिया में लोगों से डील करेगा एंगेज होगा इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं उनसे एंड डीलिंग विदू फीचर्स ऑफ लाइफ वॉट आर दीज टू फीचर्स द सिचुएशन इन विच वी फाइंड आवरसेस यानी वो सिचुएशन जिसमें हमें पैदा किया गया सपोज वी आर बॉर्न इंटू अ रिच फैमिली इन टू अ पुअर फैमिली एक सिटी में पैदा हुए हैं एक गाँव में वो हमारा क्या है एक रियल एग्जिस्टेंस यानी कि जो हमें गॉड गिफ्टेड मिला है एक तो वो और दूसरा डिजायर टू गो बियॉन्डल और एक दूसरी डिजायर जिसके अंदर हम सोचते हैं कि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हम ये जॉब ज्वाइन कर लेंगे इसके बाद हमें अच्छी सैलरी मिलेगी हमारी लाइफस्टाइल बेटर होगी हम यहाँ से वहां स्विच हो जाएंगे जो इंसान खुद सोचता है है ना तो दो फीचर्स होते हैं एक इंसान का इस दुनिया में अपने आप को एंगेज करने का पहला वो जिस जो उसको मिला है वो डिपेंड करता है कि लग बाय चांस या जैसे भी किस्मत है वो एक ऐसी जगह पे जाता है, ठीक है उसके बाद वो खुद अपनी लाइफ बनाता है ठीक है जिसमें वो प्लान करता है अपना फ्यूचर शेप करता है किसी को टीचर बनना है किसी को डॉक्टर बनना है किसी को साइंटिस्ट बनना है ये सब हम प्लान करते हैं तो दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंशियलिज्म में बताई गई ओके एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैं डिस्कस करूंगी उससे पहले मैं बताती हूँ आपको कि आइडिया क्या है वालों का एग्जिस्टेंशियलिज्म का इट इज द फिलोसफिकल बिलीफ वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पर्पस और मीनिंग इन आवर ओन लाइफ ना तो तीन चीजें होती है इंसान की लाइफ में सपोज uh, पहले तो लाइफ होती है एक लाइफ का एग्जिस्टेंस होना तो थ्योरी कहती है कि एक इंसान खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लाइफ को लेके यानी जो उसको मिला है वो तो मिला है वो तो उसका एग्जिस्टेंस है उसके बाद वो उसमें एसेंस लेके आता है एसेंस किस चीज में वो देखते हैं कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है पर्पस क्या है ओके मैं इस दुनिया में हूं तो क्यों हूं इसको और डिटेल में हम देखेंगे होना ये वीडियो देख रहे हो आप किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे हो या आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में वो आपको भगवान ने नहीं दिया है किसी गवर्नमेंट टीचर अथॉरिटी ने नहीं दी है ये आपने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पर हूँ ओके okay, या मैं वहां जाना चाहता हूँ सपोज आप एग्जाम देते हो पास करते हो उसके बाद आप टीचर बनते हो तो दिस इज योर डिसीजन इट इज नॉट अबाउट गॉड गवर्नमेंट और एनी आपने डिसाइड किया था कि मुझे ये वाली लाइन चूज करनी तो है तो एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं कि एग्जिस्टेंस होता है उसके बाद आप उसमें एसेंस लाते हो अपने एग्जिस्टेंस में जिसमें आप चूज करते हो कि आपको अपना फ्यूचर क्या करना है ठीक है तो ये इसका मेन आइडिया है इट इज अ फिलोसफी कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ लाइफ तो एक क्वेश्चन इस मीनिंग ऑफ लाइफ से जरूर बन सकता है कि एग्जिस्टेंसलिज्म की थियोरी का ऐसा वो थीम क्या है आइडिया क्या है या पर्पस क्या है या मतलब क्या है इस चीज़ का तो आपको सिंपली बताना है कि लाइफ का मीनिंग लाइफ का पर्पस क्या है हम इस दुनिया में हैं तो हम क्यों हैं ठीक है हमारा अस्तित्व है तो कोई रीजन सही है ठीक है इट्स जस्ट नॉट अबाउट ह्यूमन बींगी थिंग बहुत सारी चीजें जो हैं इस दुनिया में उसका कोई ना कोई पर्पज होता है बिना पर्पज की कोई भी चीज नहीं होती है तो ये कहते हैं कि वी हैव द मीनिंग ऑफ लाइफ एग्जिस्टेंस फिलोसफर्स ऑफन फोकस मोर ऑन वॉट इज सब्जेक्टिव सच एज बिलीफ एंड रिलीजन और ह्यूमन स्टेट्स फीलिंग्स इमोशंस यानी कि इंसान की पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीजों के ऊपर ओके और वो जो चीजें हैं वो डिसाइड करती है कि वो उसने अपना एसेंस किस तरह से क्रिएट किया है ठीक है तो यहां से कुछ खास

वो कभी भी भी यूज की जा सकती है यानी कि आज भी आपको मैं कोई भी एग्जिस्टेंशियलिज्म तो अपने थॉट्स रख सकता है ठीक है तो इट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अपने आप को पाना है ना अपने को ढूंढना कि मेरा अस्तित्व है तो क्यों है तो और ढूंढना और वो भी कैसे फ्री विल चॉइस पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना फ्री विल होना आप जब फ्री कंडीशन में अपने आप को चूज करते हो हम चाहे हमारे पेरेंट्स कहें कि आपको डॉक्टर बनना है टीचर बनना है कुछ भी बनना है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है कि मुझे ये बनना है या मुझे मेरी लाइफ ऐसी चाहिए सो वी ऑल नो ओके वहां पर हमारी फ्री विल होती है हमारी चॉइस होती है कोई हमें हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो पर्सनैलिटी आप बन के निकल के आते हो ना वो उस चीज को आप कहोगे दैट इज एक्स एक्जिस्टेंसलिज्मिफाइंड बाई दिविंग ऑथेंटिकली अब आपको यहाँ पर तीन चीजें समझनी पड़ेगी लाइफ जो है ना एक वर्ड आता है जो आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था अब्जर्ड अब्जर्ड याब्जर्डिज्म जो है वो ये कहते हैं कि लाइफ जो है ना कुछ नहीं है लाइक नथिंग इज पर्टिकुलर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है है ना लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप उसका मीनिंग नहीं बनाते हो मतलब उसको मीनिंगफुल नहीं बनाते हो तब तक लाइफ मीनिंगलेस है सपोज आपको जैसे आपने देखा होगा आजकल होता है पोल्ट्री पौल, फॉर्म्स में बहुत सारी जो आ, ये होते हैं आ, 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 आप देखोगे कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं उनको लाके रख दिया जाता है फिर कट किया जाता है और खा लेते हैं उनका लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है क्यों वो एग्जिस्ट तो करते है ना वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनका पर्पज होता है कि उनको यूज किया जाएगा उनका मीट निकालने में नॉल ये सब तो एक्चुअली देखा जाए तो ये कहते हैं कि लाइफ इज एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले कहते हैं कि आप लाइफ को मीनिंगफुल बनाते तो एब्जर्ड इज द सेम एग्जिस्टेंस एंड अब्जर्ड इज द सेम इट मीनिंगलेस और लाइफ में कुछ डिसाइडेड नहीं है कुछ भी हो सकता है एनीथिंग कैन बी हैपन टू एनी किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है पर एक और चीज आती है उसको हम कहते हैं फैक्टिसिटी फैक्टिसिटी क्या बोलती है कि हाँ हमें पता है कि लाइफ का कोई एक्जिस्टेंस नहीं है लेकिन फैक्ट ये है कि थिंग्स आर अवेलेबल जिनकी हेल्प से आप अपने आप को चेंज कर सकते हो तो ये एक फैक्ट है कि ऐसा हो सकता है तो हो सकता है नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता तो दूसरा वर्ड यहाँ पर ये यह आता है और तीसरा आता है ऑथेंटिसिटी जिसकी बात हमने एग्जिस्टेंसियलिज में की है ऑथेंटिसिटी क्या कहता है <coughs> ये कहता है कि आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हो ओके और आप अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाते हो एंड दैट इज ऑथेंटिक वो आइडेंटिटी जो है वो आपकी अपनी है तो एक तरह से एग्जिस्टेंसलिज्म जो है वो जाके कहाँ खत्म होता है ऑथेंटिसिटी पे ओके यू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी यू क्रिएट योर ओन पर्सनैलिटी दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी वो एग्जिस्टेंसलिज्म है ओके okay? तो ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने आई डोंट नो आप कितना समझ पा रहे हो या नहीं लेकिन हाँ जितना भी समझ पा रहे हो आई होप ये आपको काम आएगा इसके बाद इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं मैंने पहले बात की थी मीनिंग लाइफ का एक मीनिंग होना चाहिए पर्पज होना चाहिए वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ना मीनिंग क्यों है और हम हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है हमारा अस्तित्व क्यों है ओके okay? तो ये तो इसके प्रिंसिपल्स में हम काउंट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज जो है वो है एसेंस प्रस एग्जिस्टेंस वॉट इट सेज इट सेज दैट फर्स्ट कम्स एग्जिस्टेंस यानी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म थ्योरी कहती है दो चीजें होती है एक होता है कि किसी भी चीज का जरूरत होती है तभी घर में यदि फ्रिज की रिक्वायरमेंट है तो हम फ्रिज लेके आते हैं ऐसा नहीं फ्रिज ले आए हैं और फिर उसके बाद हम उसमें लाके सामान रख रहे हैं कि अब फ्रिज रखा है घर में तो चलो इसको यूज लो बट एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या कहते हैं कि पहले एग्जिस्टेंस होता है यानी पहले घर में फ्रिज आता है उसके बाद आप चीजें रखते हो यानी पहले हम इंसान पैदा होते हैं उसके बाद हम हमारी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं कि मुझे क्या करना है ओके सो एसेंस प्रोसीड्स एग्जिस्टेंस द वर्ल्ड वी नो इज अब्जर्व जो कि मैंने पहले ही बताया एंड अनफेयर द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज मीनिंगलेस ओके एक ये इसका प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल है और मैन मेक्स हिमसेल्फ इंसान खुद को खुद बनाता है इसके अलावा तीन और चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है वो है फिनलॉजी फ्रीडम एंड ऑथेंटिसिटी जिनको मैंने डिस्कस किया है ओके सो दिस को और एक्सप्लेन करना चाहें तो से आपका एग्जिस्टेंस का रियलाइजेशन हो जाना एज वेल एज द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट एन इंडिविजन मस्ट नेविगेट थ्रू ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ जब भी आप अपनी लाइफ को नेविगेट करते हो टू शेप द फ्यूचर तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फेस करनी होती है और वो सब भी एग्जिस्टेंशियलिज्म का पार्ट होता है ओके okay? ये लोग कहते हैं कि लाइफ के एग्जिस्टेंस को आप लॉजिक और रीजन पर नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो बल्कि इट इज इट शुड बी एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस से ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ओके okay? इसके अलावा एक और टर्म आती है एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट ए एन जी एस टी तो ये जो एंग्स्ट है इसका मतलब होता है जो मैंने यहाँ बात की समी गेट एंजाइटी ड्रेड डर लगता है यू कैन से नेगेटिव फीलिंग आती है जब पहला लाइफ में uh, कोई भी चीज आप पहली बार करते हो तो आपको डर लगता है ठीक है जैसे आपने पहली बार एग्जाम देने जाओगे तो आपको डर लगेगा ओके okay, तो दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंसियल एंगस्ट ओके तो ये नेचुरल है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ में एग्जिस्टेंशियल एंग्स जो है वो आपको मिलेंगे ओके okay, और वो क्या होते हैं वो जो डर वो जो एंजाइटी डिप्रेशन होता है जब आप ग्रो करते हो जब आप फ्यूचर शेप करते हो तो दैट इज ओके सो अब थोड़ा सा लिटरेचर में देख लेते हैं लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में भी बहुत सारे जो उस टाइम के राइटर्स हैं या उससे पहले भी एग्जिस्टेंस थ्योरी से अफेक्टेड राइटर्स हमारे पास थे जो कि उनकी राइटिंग में उन्होंने इस तरह के थ्योरी को लिखा है

इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में टी एस एल जॉन फॉलर विलियम ग्राम ब्रीन और सो ऑन ऑनल्ड प्रिंटर ओके ये सारे नाम जो हैं वो एग्जिस्टें uh, से रिलेटेड लिटर, लिटरेचर में हैं तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू सो थैंक यू सो मच गुड बाय